इस वक्त हमारे साथ धीरज गुर्जर जी मौजूद हैं, जो प्रियंका गांधी की वही स्कूटी चला रहे थे जिस पर प्रियंका गांधी सवार थी। धीरज जी, मुझे ये बताइए कि स्कूटी चलाने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि संवैधानिक देश के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो शहर के अंदर कहीं भी जा सके। पीसीसी से निकलकर प्रियंका गांधी जी जब दारापुरी जी से मिलने जा रही थी, पुलिस के द्वारा उनको जबरन रोका गया, उनके साथ बदसुलूकी करी गई, उनका काफिला 20 सड़क पर खड़ा कर दिया गया, और जब वो उतर के पैदल चलने लगी तो उनके साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। ऐसे के अंदर हर कार्यकर्ता का धर्म बनता है कि अपने नेता के पसीने के साथ अपना खून बांधे, और उस समय स्कूटी लेकर मैं उन्होंने प्रयास किया कि उनको वहां निकाल के ले जाए और मिला पाए हम लोग। तो अचानक कैसे प्रियंका जी आपकी स्कूटी पर आ गई, मतलब कैसे आपको स्कूटी चलानी पड़ी? मैं स्कूटी पे कोई कार्यकर्ता हमारा जा रहा था, उसने मुझे स्कूटी दी और मैंने देखा तो एकदम दीदी ने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ, बैठ के साथ चल पड़े। तो कहाँ तक चलाई आपने स्कूटी? पॉलिटेक्निक चौराहे तक हम लोग गए, उसके बाद पुलिस की गाड़ी फिर सामने से आकर उन्होंने चाबी निकाल ली गाड़ी की। हाँ, और स्कूटी? स्कूटी फिर वहीं हमने छोड़ दी, उसके बाद दीदी पैदल निकल चली। तो तकरीबन 8 किलोमीटर प्रियंका जी को आज पैदल चलना पड़ा, और कितनी दूर तक आप स्कूटी चलाते रहे? 1.5-2 किलोमीटर स्कूटी के ऊपर चली, बाकी 7-8 किलोमीटर पैदल चली प्रियंका जी। तो रास्ते में कुछ बात हुई आपकी प्रियंका जी से जब आप स्कूटी चला रहे थे, क्या कह रही थी वो? वो तो मैं उनके हम रोज क्या कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन पुलिस की जिस तरह से तानाशाही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हालात हैं इन्हें हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी भी हैं। सर, धीरज जी ने बताया कि बड़ी विपरीत परिस्थिति में वो पैदल उतरी, बाद में किसी कार्यकर्ता की स्कूटी लेना पड़ा, फिर वो आगे बढ़ी। सामान्य रूप से वो जाना चाहती थी एसएस दारापुरी जी के घर, उनके दुख दर्द को बांटना चाहती थी, मिलना चाहती थी, संवेदना व्यक्त करना चाहती थी, सारी वस्तुस्थिति को जानना चाहती थी। ये सरकार, मैंने पहले भी कहा, प्रियंका इसे डरती है, पोल ना खुल जाए, वास्तविक चीजें सामने ना आ जाए, उत्तर प्रदेश की जनता ना जान जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में उन तमाम अहिंसात्मक आंदोलन चलाने वाले, गांधीवादी आंदोलन चलाने वाले, अंबेडकरवादी सोच के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आज पैदल 8 किलोमीटर चलकर एसएस दारापुरी घर जाना पड़ा, निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि सरकार को आने वाले दिन में इस पर विचार करना चाहिए कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के कृत्य को उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं कर सकती, उसमें भी प्रियंका गांधी जी, जिनका इस उत्तर प्रदेश की जनता दिल से प्यार करती है, महिलाएं दिल से प्यार करती हैं, रोज महिलाओं की आवाज उठाती है। ये सरकार डर रही है, प्रियंका जी से पूरी तरह डर कर बैकफुट पर है, इसलिए उनके अंदर डर, भय और माहौल बनाकर उन्हें उत्तर प्रदेश में आने से रोकना चाहती है। फिर भी प्रियंका जी रुकने वाली नहीं, डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं, वो लड़ने वाली हैं। आदरणीय इंदिरा गांधी जी की पोती हैं, आदरणीय राजीव गांधी जी की बेटी हैं, उन्होंने डरना कभी जीवन में नहीं सीखा। पूरा परिवार के तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए कुर्बान किया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये धीरज गुर्जर थे और अजय कुमार, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनका ये कहना था फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे को अभी छोड़ने वाली नहीं, और जिस तरह का बर्ताव आज प्रियंका गांधी के साथ लखनऊ में हुआ है, कांग्रेस उसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।